Hello students, today we are going to start our first lesson of class 3rd NCERT Maths Magic. The name of lesson is Where to Look From. कौन सी चीज़ को हम कहाँ से देखें, ठीक है? Where to Look From, कहाँ से देखें, ठीक है? अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे. इस लेसन में हमें बताया है कि कौन सी चीज़ को हम कहाँ से देखते हैं तो हमें कैसे दिखती है, ठीक है? So now start the lesson. Our teacher told us to draw a picture of a car. ये क्लास के बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि उनके टीचर ने उन्हें कहा था कि वो एक कार की पिक्चर को ड्रॉ करें. We all draw the car differently. तो सब ने क्या किया, अलग अलग तरीके से कार को बनाया. Next day, when we showed our pictures to each other, अगले दिन जब उन्होंने एक दूसरे को अपनी कार की पिक्चर दिखाई, वी वर वेरी एक्साइटेड. वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि किसने कैसी कार बनाई होगी. बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग, लेकिन अंशुल जो है हंसने लगा. ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राॅइंग ऑफ अ कार. वो क्यों हंसने लगा, क्योंकि उसने धीरज की कार की ड्रॉ देखी थी कि उसने कैसे धीरज ने कार बनाया. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंशुल ने कैसी कार बनाई है और धीरज ने कैसी बनाई है, तो धीरज की कार को देख के हंसी तो आएगी, है ना? अंशुल सेड, अंशुल ने कहा, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स कैप्ड इन अ बिगर वन. कि ये कार तो नहीं लग रही है, ये क्या लग रहा है कि एक जो स्मॉल बॉक्स है उसको एक बड़े से बॉक्स के ऊपर रख दिया गया है. देन अंशुल शोड हिज ड्राॅइंग टू धीरज. उसके बाद क्या किया अंशुल ने, अपनी ड्राॅइंग धीरज को दिखाई. बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार. तो उन दोनों ने क्या किया था, एक ही कार की पिक्चर ड्रॉ करी थी. बट द ड्राॅइंग्स लुक डिफरेंट, लेकिन जो ड्राॅइंग्स हैं वो अलग अलग दिख रही थी. धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस. जो उसने कार बनाई है वो उसने कहाँ से बनाई थी, कहाँ पे देख के बनाई, वो अपने छत पर गया था और छत से देख कर उसने वो कार की पिक्चर ड्रॉ करी थी. टेरेस मतलब छत. Do you think his funny drawing is right? क्या आपको लगता है कि जो उसकी funny drawing है वो correct है? तो हाँ, वो correct तो है, लेकिन उसने क्या top view से बनाया था, वो ऊपर से देख रहा था, तो ऊपर से तो कार ऐसे ही दिखेगी, इसलिए उसने कार को ऐसे draw किया, ठीक है? Have you looked at things from different sides? क्या आपने कभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा है? Yes, हाँ, हमने क्या है, कोई भी चीज़ को है कभी हम इस साइड से देखते हैं, कभी उस साइड से, तो अलग अलग तरीके से हमने देखा है. डू दे लुक द सेम और डिफरेंट. क्या वो एक जैसी ही दिखती हैं, अगर हम उसे किसी और साइड से देखें और ऊपर से देखें, नीचे से देखें, तो क्या वो एक जैसी दिखेंगी? नहीं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि वो एक जैसी दिखें, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग दिखेंगी, ठीक है? लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन हेयर. यहाँ पर जो पिक्चर बनाई है इन्हें देखिए. How does the table look from the side? जो टेबल है वो साइड से कैसा दिख रहा है? Which picture is from the top? और आपको बताना है कौन सी पिक्चर जो है टॉप साइड की है. आपको ये पिक्चर्स देखनी है टेबल की. एक इसमें दिखाया है कि जो साइड व्यू है, जब आप साइड से देखेंगे तो टेबल ऐसा दिखेगा, और एक है टॉप व्यू जो आप ऊपर से देखेंगे. तो इसमें टॉप व्यू कौन सा वाला है, नीचे वाला. जो पिक्चर नीचे है ये टॉप व्यू है, और जो ऊपर वाली पिक्चर है वो साइड व्यू है, ठीक है? Some pictures are drawn below. और अब आपको कुछ pictures नीचे दी गई हैं. Imagine how these things will look if seen from the top. अब आपको imagine करना है कि अगर आप इन चीज़ों को ऊपर से देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगी, ठीक है? यहाँ पर एक आपको कुकर दिया है, स्लिपर है, कुछ ही फ्रूट जैसा है, और एक अलमीरा दी है छोटी सी, ठीक है? आपको ये देखना है कि ये ऊपर से कैसे दिखेंगी. Will they look like this? क्या वो ऐसे दिखेंगी? देखिए यहाँ पे कुकर का आपको टॉप व्यू है दिया है, स्लीपर का, और जो ये स्टार जैसा आप दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर तो कुछ और दिख रहा था, यहाँ पर स्टार जैसा ही दिख रहा है. और जो ये एक अलमीरा है छोटी सी, इसका भी टॉप व्यू क्या है, एकदम अलग दिख रहा है ना? तो क्या है, जब हम किसी चीज़ को किसी और साइड से देखते हैं तो वो अलग दिखती हैं. प्रैक्टिस टाइम. अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टाइम दिया है. ए, फर्स्ट हमारे पास है, A cat is peeping into a classroom. एक जो cat है वो एक class में झांक रही है. Can you help her find out where the teacher is? क्या आप उसकी help कर सकते हैं कि teacher कहाँ पर है?
ठीक है, एक कैट जो है एक क्लास में झांक रही है, तो आपको उसकी मदद करनी है, आपको बताना है कि टीचर कहाँ पर है। तो आपको दिख रहा होगा टीचर कहाँ है, ये रहा है ना, हमने कैट की मदद कर दी कि टीचर यहाँ पर है। हेयर आर सम पिक्चर्स, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं और आपको बताना है कि आपको इस चीज़ को किस साइड से देखना होगा, मतलब आपको टॉप व्यू से देखना है या फिर साइड से, कि ये ऐसी दिखे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो स्टेयरकेस दी है ना, जो ये सीढ़ियाँ हैं, ऐसे देखने के लिए आपको किस साइड से देखना होगा, फ्रॉम द साइड, आपको साइड से देखना होगा। ठीक है, सेकंड जो ये स्टेयरकेस दी है, दूसरी भी सीढ़ियाँ ही हैं, आपको ऐसे देखना है, तो कैसे देखनी होगी आपको, फ्रॉम द टॉप। आप जब ऊपर से देखेंगे तो आपको सीढ़ियाँ इस तरह से नज़र आएंगी। अब है आपके पास टेबल, टेबल को हमें ऐसे देखने के लिए कहाँ से देखना होगा, फ्रॉम द टॉप, टॉप साइड से। टॉप साइड से अगर हम टेबल को देखेंगे तभी वो ऐसा दिखेगा। चेयर, चेयर को हम ऐसे कैसे देख सकते हैं, फ्रॉम द साइड। पेंसिल, पेंसिल को हम ऐसे कैसे देखेंगे, फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ऊपर से देखना पड़ेगा तभी हमें पेंसिल ऐसी दिखाई देगी। बस, बस को हम ऐसे कैसे देख सकते हैं, फ्रॉम द साइड। ठीक है, जब हम साइड से देखेंगे तो बस हमें इस तरह से नज़र आएगी। ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो कि उनका व्यू किस तरफ से हो, टॉप साइड से। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को वो पिक्चर्स दिखानी है और उनको बोलना है कि आप गेस कीजिए कि ये किस चीज़ को आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे। रंगोली, अब हमारे पास रंगोली, यहाँ पर एक लड़का है, ये क्या कह रहा है, हैव यू एवर मेड अ रंगोली, क्या आपने कभी कोई रंगोली बनाई है। माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटिफुल फ्लोर पैटर्न्स, मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी, वो बहुत अच्छे फ्लोर पैटर्न्स बनाती है, यानी कि जो आटे के पैटर्न्स बनाती है। ठीक है, जब हम रंगोली बनाते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें वाइट कलर के लिए मोस्टली हम फ्लोर का यूज़ करते हैं, आटे का यूज़ करते हैं। आई एम मीनाक्षी, ये लड़की बता रही है कि मैं हूँ मीनाक्षी। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तमिलनाडु से। वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, हम क्या हैं, कोलम पैटर्न्स बनाते हैं हर सुबह। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, और वो कैसे बनाए जाते हैं, पहले वो डॉट बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं, तो वो होते हैं कॉलम पैटर्न्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज़ द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स, आप भी क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे डॉट्स दिए हैं और डॉट्स के ऊपर कुछ ड्रॉइंग्स आपको करनी है, तो ये भी आप खुद से कर सकते हैं। टू एग्ज़ाम्पल्स हैव बीन ड्रॉन हेयर, दो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिए हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। ठीक है, कुछ हम जैसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही आप और बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, या फिर ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह के पिक्चर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, अब आपको कुछ पैटर्न्स जो है खुद से बनाने हैं। कॉपी दी शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, आपको जो नीचे, आपको क्या है यहाँ पर ऊपर तो कुछ डॉट्स दिए हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स बनाए हैं और नीचे खाली स्पेस दिया है, यहाँ पर आपको ये पैटर्न आप या तो कॉपी कर लीजिए या फिर खुद से कुछ अलग पैटर्न बना सकते हैं। नोट दैट सम लाइंस इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि कुछ लाइंस जो हैं एकदम स्ट्रेट हैं और कुछ क्या हैं, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ये ड्रॉ करना है, आप सेम अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ऊपर यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, जो ये शेप्स बनाई हैं, वैसे आपको ये जो नीचे ब्लैंक वाला है इसमें खुद से ड्रॉ करना है पेंसिल से। ठीक है, यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन एंड शेप्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, खुद से कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर डॉट्स का यूज़ करके बनाएंगे, मैं कुछ शेप्स बना देती हूँ।
कुछ शेप्स जैसे हम बनाएंगे। ये बन गई एक काइट, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर लीफ बना सकते हैं या फिर इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं या फिर एक बोट बना सकते हैं या फिर स्टार बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इन डॉट्स की हेल्प से, ठीक है। कंप्लीट दीज फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट फिगर्स दिए हैं, ठीक है। ये इनकम्प्लीट फिगर्स हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है ताकि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल बन सकें, ठीक है। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट वाला क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। आपको ये प्रॉपर करना है। नेक्स्ट भी है हमारे पास एक, ये क्या है, स्क्वायर, इसको भी कंप्लीट करना है। ये भी एक रेक्टेंगल हो गया ये, और ये क्या है, एक ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से आपको ये पिक्चर्स कंप्लीट करनी है, ये वाला फिगर कंप्लीट करना है स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के। ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ये डॉट्स दिए हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम्स दिए हैं, क्या क्या आप बनाएंगे। अ काइट, मैं आपको पहले वाली पिक्चर में ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ, एक काइट मैंने बनाई थी। अ लीफ, एक लीफ भी बनाई थी। अ फ्लावर, फ्लावर बनाया था। अ बोट, बोट भी बनाई थी। अ स्टार, स्टार भी बनाया था। सिर्फ क्या रह गया था, एक पॉट, ठीक है। आपको यहाँ पर सेम वही चीज़ें ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गई एक काइट, ये हो गई लीफ, ये हो गया फ्लावर, ये हो गई बोट, ये हो गया स्टार, और ये हो गया पॉट। इसी तरह से आपको पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करना है, डॉट्स मिलाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट क्या है, एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन क्या है, अमीना एक पेंटर से मिली। कैन यू मेक माई पिक्चर, उसने पेंटर से कहा कि क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हैं। यस श्योर, हाँ ज़रूर। आई चार्ज ₹200 फॉर इट। मैं क्या करूँगा, तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ मीन्स तुम्हारी फेस बनाने के लिए ₹200 चार्ज लूँगा। तो क्या, आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। उसने क्या है, अमीना की पिक्चर बनाई और थोड़ी देर बाद उसको वो पिक्चर दिखाई। अमीना हाउ डू यू लाइक इट, तो उसने कहा, अमीना देखो क्या तुम्हें ये पसंद आई। बट दिस इज़ ओनली हाफ, अमीना ने कहा, लेकिन ये तो सिर्फ हाफ पिक्चर है। द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, तो पेंटर ने कहा कि जो तुम्हारा अदर हाफ पार्ट है वो भी तो सेम ही है। सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कम्प्लीट पिक्चर, तो तुम क्या करो, एक मिरर उसके साइड में रखो और तुम्हें कम्प्लीट पिक्चर मिल जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी, क्या अब तुम मुझे मेरे रुपये दोगी। अमीना गेव हिम ₹100 नोट। अमीना ने क्या किया, उसे सिर्फ 100 रुपी का नोट दिया। बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी, तो पेंटर ने कहा, लेकिन ये तो सिर्फ आधे ही पैसे हैं। द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, तो अमीना ने कहा कि जो अदर हाफ है वो एग्जैक्टली सेम है। सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी, हाहा। तो अमीना ने कहा कि क्या करो, कि 100 रुपीज़ के साइड में एक मिरर रख लो और
तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। और वो उस पर हंसने लगी, ठीक है। तो टिट फॉर टैट यहाँ पर हो गया, मतलब ईंट का जवाब उसने पत्थर से दिया। जैसे उसने उसकी हाफ पिक्चर ड्रॉ करी थी और मिरर रखने को बोला था, तो उसने भी 200 के हाफ 100 उससे पेंटर को रुपए दिए और कहा मिरर रखकर फुल मनी कंप्लीट कर लो, ठीक है। द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रू ओनली वन हाफ ऑफ द थिंग्स। पेंटर ने क्या किया है, ऐसे कई और पिक्चर्स बनाई हैं जिसमें उसने सिर्फ आधी साइड ड्रॉ करी है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दीज पिक्चर्स, आपको क्या करनी है, जो ये हाफ पिक्चर्स हैं इसका अदर हाफ बनाना है। एंड फाइंड आउट वट दीज थिंग्स आर, और आपको फाइंड करनी है कि ये चीज़ें क्या हैं। ट्राई डूइंग इट विद अ मिरर, आप यहाँ पर एक मिरर इसके साइड में रख कर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है, एक बटरफ्लाई। सेकंड हमारे पास है एक दिया। थर्ड अ कैट। फोर्थ स्टार है। एंड फिफ्थ अ फिश, ठीक है। आपको ये पेंसिल से अच्छे से इसका अदर हाफ पार्ट ड्रॉ करना है। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक, क्या हम पेंटर की ट्रिक को रिपीट कर सकते हैं। वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम जो ये नीचे तीन पिक्चर आपको दी हैं इनको हमें बनाना हो तो क्या हम सिर्फ आधा बनाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ नो, ठीक है। हम इनको हाफ बनाकर कंप्लीट नहीं कर सकते मिरर के सामने, क्यों, क्योंकि जैसे ये एक कीड़ा यहाँ पे दिया है तो इसका फेस है, ठीक है। अगर हम सिर्फ आधा बनाएंगे तो दूसरी तरफ भी इसका फेस आ जाएगा, तो ये ऐसा लगेंगे कि दो कीड़े। जो एक कप है, कप को अगर हम हाफ बनाते हैं तो एक साइड तो इसका हैंडल आएगा, अगर हम मिरर रखेंगे तो उसमें डबल हैंडल आ जाएंगे, तो वो गलत होगा। फ्लैग, फ्लैग को अगर हम हाफ बनाएंगे तो उसमें एक साइड स्टिक होगी, अगर हम मिरर रखेंगे तो दो स्टिक्स आ जाएंगी, तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हम इन्हें इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स, देन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक। अब आपको क्या करना है कि पेंटर को कुछ ऐसी चीज़ें ड्रॉ करने को बोलना है जो कि वो हाफ ड्रॉ करके अपनी ट्रिक को कंप्लीट ना कर पाए। ड्रॉ थ्री मोर थिंग्स सच थिंग्स विच डो नॉट हैव सिमिलर मिरर हाफ्स। आपको क्या करना है, तीन ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी हैं जो कि मिरर हाफ्स ना हो, ठीक है, जिसके सामने हम मिरर रखकर उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है एक कीड़ा, कप और फ्लैग। ऐसी आपको तीन और चीज़ें ड्रॉ करनी हैं जो कि मिरर हाफ ना हो, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। मिरर हाफ, मिरर हाफ यानी कि जो शीशे के सामने आधा रख कर कंप्लीट हो जाए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं आपको ये देखनी है। डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स, क्या जो ये डॉटेड जो आपको दिया है, डॉटेड लाइंस हैं, ये सारी पिक्चर्स को टू सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकती हैं, यानी कि टू ऐसे पार्ट्स में, ताकि जो अगर मिरर रखें तो वो पूरा पिक्चर हमें दिखाई दे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है, अगर यहाँ पर हम मिरर रखते हैं तो इट्स अ येस। सेकेंड येस। थर्ड नो, अगर हम यहाँ पर मिरर रखेंगे तो हमें नीचे भी एक ट्राइंगल ही दिखेगा। फोर्थ नो। फिफ्थ येस। सिक्स्थ जो ट्री है नो। सेवेंथ येस। एट्थ येस। नाइन्थ नो। टेंथ नो। इलेवेंथ येस। ट्वेल्थ येस। थर्टीन येस। फोर्टीन येस। फिफ्टीन नो। एंड सिक्सटीन नो, ठीक है। आपको यहाँ पर येस और नो लिखना है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इनमें से जो जो मिरर हाफ्स हैं उनमें आप येस लिखेंगे और जो मिरर हाफ्स नहीं हैं उनमें नो लिखेंगे। गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, आपको कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं जो कि मिरर हाफ्स हों, ठीक है। ये भी आपने खुद करना है, खुद से आप इनके आंसर लिखेंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करनी है जिनको आप आधा ड्रॉ करेंगे और मिरर रख कर वो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फोर पिक्चर्स यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इंटू टू सिमिलर हाफ्स, क्या आप डॉटेड लाइन से इन पिक्चर्स को टू सिमिलर हाफ्स में ड्रॉ कर सकते हैं।
सो जिनको कर सकते हैं उन्हें मैं सर्कल करूँगी और जिन्हें नहीं उन पर सर्कल नहीं करूँगी। ठीक है, जो फर्स्ट हो रहा है इसे हम कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। यस यस नो यस नो यस 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 नो यस यस नो यस यस नो नो एंड नो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अगर हम डॉटेड लाइन करेंगे तो इनको मिरर रखकर हम इन्हें कंप्लीट पिक्चर कर सकते हैं। कैन यू गैस दीज लेटर्स, यहाँ पर क्या है, कुछ आपको हाफ हाफ से लेटर्स दिए हैं, क्या आप इन्हें गैस कर सकते हैं? यस yes, हम इन्हें गैस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए, सेकेंड सी, थर्ड एच, फोर्थ यू, फिफ्थ बी एंड सिक्स्थ के। ठीक है, यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ्स, ऐसे हम कुछ लेटर्स जो इनके सिमिलर हाफ्स होंगे, ठीक है, जिनको हम हाफ करके अगर मिरर रखते हैं तो वो पूरा लेटर हमें मिल जाएगा, उनसे हम कुछ वर्ड्स बना सकते हैं। गेस द वर्ड बाई लुकिंग एट देयर हाफ्स, आपको ये गैस करना है कि ये क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको हाफ दिया है सिर्फ, तो आपको ये पूरा बताना है कि ये क्या है। फर्स्ट हमारे पास ये क्या लिखा है, एच ओ डब्लू। ठीक है, ये है हमारे पास, क्या है ये, हाउ। नेक्स्ट हम देखेंगे ये है हमारे पास डब्लू ए एक्स, ये क्या है, वैक्स। थर्ड हमारे पास है ये क्या है, कुक्ड। एंड फोर्थ है हमारे पास आर आई सी ई, फोर्थ क्या है, राइस। ठीक है, तो हमने इनके हाफ पार्ट देखकर इन्हें पूरा बना दिया। मेकिंग अ मास्क, अब आपको एक मास्क बनाया दिखाया। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट, अब आपको ये बता रहा है कि कैसे आप एक कैट वाला मास्क बना सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है, फोल्ड इट अलॉन्ग द मिरर, अब आपको बीच से उसे फोल्ड कर देना है। सेकेंड स्टेप है ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, एक साइड आप क्या कर लीजिए, कैट के फेस का हाफ फिगर बना लीजिए। कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर, अब आपको क्या करना है, एक सीजर लेनी है और उससे उस फेस को कट कर देना है। वैन यू ओपन द फोल्ड इट लुक्स लाइक दिस, अब आप जब उस हाफ फोल्ड को ओपन करेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक, अब क्या करना है, आप उसमें कलर कर सकते हैं और उसके साइड से रबर लगा सकते हैं। योर मास्क इज़ रेडी, और आपका मास्क जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपका मास्क रेडी हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मेक मोर सच मास्क बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, आप इसी तरह से कुछ और मास्क भी बना सकते हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करके दिखाई हैं। इसी तरह से आप एक पेपर लीजिए, उसको हाफ फोल्ड कीजिए और उसमें आधी पिक्चर बना के जब आप उसे कट करेंगे तो आपके पास एक पूरा मास्क आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरा मास्क आ गया। और इस लेसन में हमने क्या है, किस तरह से देखा कि मिरर हाफ्स हमने देखा और कुछ शेप्स देखी, कुछ देखा कि किस तरह से हम टॉप व्यू और साइड व्यू से चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ हमने करी और वो एक्टिविटीज़ आपको घर पर खुद से करनी है, प्रैक्टिस करनी है और लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।